सारण लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी शेख नौशाद जी हैं। इनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर चुनाव चिन्ह क्या मिला है और आप वो जनता से क्या अपील करेंगे, कितना नंबर पे इनका जो EVM में नंबर होगा, कितना नंबर पे इनको लोग वोट करेंगे और किस तरह का समर्थन अभी तक मिल रहा है और चुनाव नज़दीक है, अब किस तरह से डोर टू डोर जाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शेख नौशाद जी, आपके भी चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। अच्छा, सुनने में मिला है और मैंने देखा आपका कई सारा पोस्ट फेसबुक पे आपने डाला हुआ है कि आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, तो चुनाव चिन्ह क्या मिला है, कितने नंबर पे आपको वोट करेंगे लोग अगर करेंगे तो, ये सभी चीज़ें जानकारी दीजिए आपके वोटर्स को। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो चुनाव चिन्ह है मेरे अनुरूप ठीक है, ब्लैक बोर्ड है और EVM के सबसे अंतिम पायदान पर है, 14 नंबर पे है। तो आप सभी छात्र, युवा, बुद्धिजीवी, अभिभावक से निवेदन है कि आप लोग मुझे समर्थन दें और इस सारण लोकसभा क्षेत्र से एक युवा को मौका दें। अच्छा, मैनिफेस्टो भी आपका मैंने देखा जिसमें कई सारे मुद्दों को आपने लिखा है, बताया है और करने का वादा किया है, तो आपने मैनिफेस्टो का 3 ऐसा बात बताइए जो कि लोग जाने, क्या उसमें मुख्य रूप से आपने क्या कहा है, क्या वो होने वाला है काम? देखिए, मेरा मुख्य फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्र युवाओं का रोजगार। देखिए, अब जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, एक मोदी जी के चेहरा पर लड़ रही है और एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के चेहरा पर लड़ रही है कि हमारा पिताजी है। लेकिन उससे इस सारण लोकसभा के जनमानस, चाहे छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको इस मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी के चेहरा से क्या लेना देना है यहाँ के लोगों को, चाहे लालू जी के चेहरा से क्या लेना देना है। यहाँ लोगों को शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए। एक बात बताइए कि सारण लोकसभा क्षेत्र के से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार 3 टर्म से सांसद हैं, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में एक शिलापट कहीं देखा दे जो शिक्षा के क्षेत्र में उनको लगा हो, जो कहते हैं कि हम वकील हैं, फलाना है, लोको पायलट है। तो भाई, आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपने कौन सा आपका योगदान रहा है हमको बता दीजिए, कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में एक शिलापट दिखा दे। ठीक है, चूँकि इनको न छात्र से मतलब है, न युवा से मतलब है, न रोजगार से मतलब है। देखिए, 2019 में ही आए थे, तो 2019 में इन्होंने एक मुद्रा लोन गांव-गांव, पंचायत-पंचायत लोगों को भरमा के कि हम मुद्रा लोन आप भरिए, हम रोजगार के लिए पैसा दे। नौशाद जी, छात्रों के साथ आप रहे, छात्रों के बीच में आपको देखा गया है कि कई बार नीचे बैठ के प्रदर्शन किए हैं, कई सारे युवाओं का समर्थन तो आपको है, लेकिन अब आप छात्रों से क्या अपील करेंगे, आपकी बारी है, अब आपने उनके लिए हमेशा किया है, आज आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे, क्या अपील करेंगे अपने माध्यम से? देखिए, मैं सारण लोकसभा क्षेत्र के सभी युवा छात्र से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो 2 प्रत्याशी आए हैं, इनके पास धन बल सब चीज़ है, इसलिए ये प्रचार में लगे हुए हैं। मेरे पास कम संसाधन है, इसलिए हम आप लोग के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक पहुंचना है पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं 17 बरस से छात्र युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, करता हूँ, करते रहूँगा और मैं 24 घंटा इस शहर में रहता हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए सारण लोकसभा क्षेत्र के तमाम छात्र युवाओं से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमें साथ देंगे, समर्थन देंगे, मजबूती के साथ देंगे और जो भी हमसे कोई गलती हुआ हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, इसके लिए हम क्षमाशील हैं, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है, हम सबसे गरीब प्रत्याशी हैं। आप लोग के लिए 17 बरस से पुनः मैं कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए 17 बरस से संघर्ष कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन ये दोनों प्रत्याशी हैं जो धनबल वाले हैं, 20 तारीख के बाद नपता हो जाएंगे, फिर मैं आपके बीच रहूँगा, आपके आवाज़ को बुलंद करूँगा, इसलिए निवेदन है, आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी छात्र युवाओं से कि आप जरूर मुझे मदद करें, समर्थन करें, मजबूती के साथ एक युवा को आप आगे बढ़ाएं, इनके हौसला को अफजाई करें,
अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के नाम के आगे डॉक्टर मत लगाइए, वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है, उन भाषा का जो उनका यूज है बहुत गलत तरीके से, अनर्गल तरीके से बोल रही हैं बहुत सारे शब्दों को, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहिएगा इस तरह से जैसे हो रहा है सब? देखिए, हमको तो उनके डॉक्टरी के जो सर्टिफिकेट पे उन पर भी संदेह है, क्योंकि पिताजी मुख्यमंत्री थे, हो सकता है कि बैग से सर्टिफिकेट मिल गया होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा मुद्दे की बात नहीं है। लोग जान रहा है कि उनके माने परिवार में बहुत सारा डिग्री सिगरी कागज पत्र इधर उधर हुआ है, हो सकता है कि उसी में वो भी शामिल हो डिग्री, तो रोहिणी आचार्य जी के डिग्री पर हम सवाल नहीं कर सकते हैं। ये तो सारा नहीं, पूरे बिहार के लोग जानता है कि कैसे कैसे काम हुआ है। बाकी आपकी लड़ाई जो है, लड़ाई मैं जानता हूँ कि आपकी अपने आप में लड़ाई है, इस सारण की जनता के लिए लड़ाई है, लेकिन आपकी क्या लगता है कौन ऐसे प्रतिद्वंदी होंगे जिसके खिलाफ आपको ज़्यादा मजबूती से लड़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ रहा है अभी तक? देखिए, सारण की जनता सब जानती है, लड़ाई मुझे किसी से नहीं है, दोनों हवा हवाई नेता है। सारे लोग जान रहे हैं कि 20 तारीख के बाद किसी का आता पता नहीं रहेगा, और इस लोकसभा में 65% जो संख्या है छात्र युवाओं का है, तो सबसे छात्र युवाओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो शेख नौशाद। एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जयप्रकाश विश्वविद्यालय सारण कमिश्नरी के एकलौता विश्वविद्यालय है। अब तक हमको बात बताइए, दोनों प्रत्याशी जो मजबूत हैं उन्हीं से सवाल है मेरा कि अब तक उन छात्र के लिए कौन सा, सारे लोग जान रहे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर के बच्चे आज भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जो रवैया है उसे पीड़ित नहीं है। तो उन लोगों को भी हम बता रहे हैं कि जो नेताजी के आगे पीछे कर रहे हैं, वो अपने एक बार जाके अपने बच्चे से पूछे जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं कि क्या स्थिति है, उसके बाद मूल्यांकन करें। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर हम इस सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अगर संसद बनते हैं, तो सबसे पहले ये छात्र युवाओं के जीत होगा। क्या यहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी हो, चाहे लालू जी के परिवार के लोग हो जो लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, ये किसी का बपौती सीट नहीं है कि रजिस्ट्री कर लिया है आप ही लोग लड़िएगा, ठीक है। और भाजपा चाहे राजद को भी ये सोचना चाहिए कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी ही यहाँ बीजेपी के सबसे मजबूत कैंडिडेट है? बहुत सारा युवा है कि जो बीजेपी को मजबूत करने के लिए अपने खून पसीना आज 20 बरस से लगा दे रहे हैं, क्या उनको मौका नहीं देना चाहिए? चाहे RJD की वही स्थिति है, इससे पहले लालू जी लड़े, उसके बाद राबड़ी देवी जी लड़ी, उसके बाद उनके समधी जी लड़े, उसके बाद रोहिणी आचार्य जी लड़ी, हो सकता है कि आने वाले राजश्री भी लड़े। तो क्या ये किसी बाप की बपौती है? क्या जो गरीब कार्यकर्ता है हर पार्टी में, हम एक पार्टी की बात नहीं बता रहे, हर पार्टी में, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह पूंजीवाद और परिवारवाद अगर चलता रहेगा तो आप भी राजनीति करते हैं, आप कैसे आगे बढ़िएगा? उस ठीक है कि शेख नौशाद, और उन कार्यकर्ताओं को भी, चाहे भाजपा के हो चाहे RJD के हो, उस शेख नौशाद को उनको भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हूँ। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, उनका भी आशा होगा कि हमने भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहा है, हो सकता है कि शेख नौशाद का हम भी रास्ते पर चले, हम भी ये सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत। एक कड़वा सवाल आपसे पूछेंगे, आप छात्र नेता हैं, 17 सालों से छात्र नेता रहे हैं, आपके पास कोई लड़का कॉल करता होगा कि यूनिवर्सिटी में काम है तो आप उसके लिए करवा देते हैं काम, लेकिन आपने कभी पूछा है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं? क्योंकि यहाँ तो जाति के नाम पे ही वोट गिरता है, सच्चाई है, धर्म के नाम पे कुछ वोट गिरता है, लेकिन आपने क्या कभी ऐसा पूछा कि क्या तुम किस जात के हो तो काम करवाएंगे, किस धर्म के हो तो काम करवाएंगे? क्या शेख नौशाद के अंदर भी ऐसी चीज है या नहीं? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये सारण कमिश्नरी के बच्चा बच्चा शेख नौशाद के बारे में जानता है। अगर कोई भी एक लड़का बता दे कि कभी भी शेख नौशाद ने किसी का जात पूछा हो, किसी का धर्म पूछा हो, तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। चूँकि जब लड़का कोई भी अपना समस्या कहता है, तो मैं पदाधिकारी से लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। इसके लिए कई फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर किया गया है, मतलब ये सारों के लिए, छात्रों के लिए जी। आप कई चैनल के माध्यम से भी हमारा आंदोलन आपने देखा होगा, चाहे सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक बात बताइए कि जब देखिए,
जब हम छात्र युवाओं के लिए हमेशा लड़ता हूँ, लड़ा हूँ और जीवन में भी लड़ता रहूँगा, तो क्यों क्या मैं आज सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो क्या यही समय है कि शेख नौशाद को मजबूती के साथ छात्र युवा आप समर्थन दे और सपोर्ट करे, कम से कम आप एक जरूर वोट करें। देखिए शेख नौशाद जी हैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इनको भी बहुत सारा काम है, अभी कमिश्नरी में गए हुए थे, अभी इनसे मैंने समय लिया और 10 मिनट इंटरव्यू किया। लेकिन आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, छपरा का कोई ऐसा छात्र नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के लिए शेख नौशाद खड़े नहीं रहे हो। हालांकि आप सबको सोचने की ज़रूरत है, हर क्षेत्र से एक युवा कैंडिडेट आता है जो कि आप सबके लिए खड़ा रहता है, 2400 घंटे चुनाव आता है जाता है, जाते रहेगा आते रहेगा, लेकिन ये हमेशा खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन आप सबको एक बार सोचने की ज़रूरत है कि जो युवा हमारे लिए खड़ा था, क्या हमें उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आज पहली बार किसी के लिए अपील कर रहा हूँ कि शेख नौशाद ने अगर आपके लिए भी कुछ किया है और आपको लगता है कि शेख नौशाद चुनाव जीतने के बाद भी या चुनाव के बाद भी यहीं रहेंगे, तो इनके लिए समर्थन जरूर करें। बाकी आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और शेख नौशाद जी का आपको जो काम है पिछले कई वर्षों से जो करते आ रहे हैं, उसका लाभ आपने कभी लिया है या नहीं लिया है, इस बात को भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए आपका। आखिरी अपील क्या करिएगा? आखिरी अपील यही है कि देखिए हमारी आबादी 65% है छात्र युवाओं की आबादी, तो इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि छात्र युवा और अभिभावक जो समझदार बुद्धिजीवी शिक्षक भी है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप एक बार ज़रूर मुझे समर्थन करें, मेरे समर्थन में वोट करें और लोगों को भी आग्रह करें कि शेख नौशाद के एक बार मौका देना चाहिए। बस यही आप लोगों से आग्रह है, हम आपके लिए सदैव आपके साथ खड़ा रहेंगे, चाहे दिन हो या रात हो। चलिए जय हिंद।